हेलो नमस्कार दोस्तों, 7 जुलाई 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं कि आज कौन कौन से एडिटोरियल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो आर्टिकल है ये फार्मर्स के हालात के बारे में है कि भाई फार्मर्स के हालात ठीक नहीं है। गवर्नमेंट उनके इनकम डबल करने की बात तो कह रही है, बट जो MSP वगैरह दी जा रही है या फिर जो लोन माफ़ किए जा रहे हैं वो कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो राइटर उसी के बारे में सजेशन वगैरह दे रहे हैं। तो इस आर्टिकल काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे जो बड़ा आर्टिकल है मेन पेज भी है, ट्रेड ऑर्डर को लेकर है कि किस तरीके से ट्रंप साहब हैं, उनकी मनमानी मनमर्जी है वो चल रही है। तो इस आर्टिकल में वैसे कुछ ज़्यादा पॉइंट है नहीं, बट एक बार हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे आर्टिकल है ये खेल से रिलेटेड है, तो हमारे लिए इसमें कुछ इतना काम का नहीं है मेंस के नज़रिए से। और ये आर्टिकल ये भी एक्चुअली जर्मनी की पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस किया गया, वहाँ की इंटरनल पॉलिटिक्स है, तो हमारे लिए वो कुछ फैक्ट्स वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। और आज सैटरडे है तो यहाँ पे ग्राउंड जीरो को एक्चुअली जम्मू एंड कश्मीर के जो सुजात बुखारी जो वहाँ पे जर्नलिस्ट थे उनकी हत्या कर दी गई है, उसको लेके आर्टिकल है कि भाई हत्या ऐसे की जा रही है तो क्या सोल्यूशन वगैरह हैं। तो काफ़ी सारी फैक्चुअल डिटेल्स हैं, हमारे लिए कोई काम की नहीं है। इसी के साथ आज हम एक अलग से आर्टिकल डिस्कस करें मॉब लिंचिंग को लेके। इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल आया था 2-3 दिन पहले, उस आर्टिकल को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि उस आर्टिकल के कुछ पॉइंट्स नए हैं और व्हाट्सएप को लेकर उसमें कुछ नई डायमेंशंस दी गई हैं, तो उन्हें हम यहाँ पे कवर करने की पूरी पूरी कोशिश है वो कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसी आर्टिकल से हम शुरुआत करते हैं कि मॉब लिंचिंग और जो अफवाह वगैरह चलती है इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो आज के टाइम पे अफवाह या रूमर्स इतने ज़्यादा फैल रहे हैं कि उसकी वजह से मॉब जो है जो भीड़ है वो कई बार क्या कहती है हत्या वगैरह कर देती है और काफ़ी सारे बुरे अंजाम इस चीज़ के सामने देखने आते हैं। रिसेंटली एग्जाम्पल दिया गया है आर्टिकल में कि महाराष्ट्र का देखो वहाँ पे किस तरीके से मॉब लिंचिंग करने बड़ी। तमिलनाडु का एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि तमिलनाडु में एक अफवाह फैली कि भाई जो महिलाएं हैं वो मंदिर में प्रसाद की फॉर्म में बच्चों का किडनैप है वो कर रही हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं सामने। तो फिर हुआ क्या, भीड़ इकट्ठा हो गई और भीड़ ने बिना कुछ सोचे समझे बिना किसी वेरिफिकेशन के उनकी हत्या वगैरह कर दी। यही बात फिर राइटर के द्वारा बताया जा रही कि देखो सोशल मीडिया के अंदर मेनली यहाँ पे फोकस किया गया व्हाट्सएप पे कि सोशल मीडिया में व्हाट्सएप है उसकी डायमेंशन कैसी है और उसकी वजह से कैसे रूमर्स वगैरह फैलते हैं और क्या क्या बड़े इश्यूज हैं और क्या क्या हमें स्टेप उठाने हैं। तो काफ़ी सारे डायमेंशन हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि सोशल मीडिया का देखो पॉजिटिव रिफॉर्म तो हमने काफ़ी सारे देखे हैं कि सोशल मीडिया काफ़ी तरीके से लोगों को अलर्ट करती है, ये वगैरह वो सारी चीज़ें तो हमने बहुत बार डिस्कस कर ली हैं। बट आज हम देखेंगे किस तरीके से जो रूमर्स वगैरह फैलते हैं वहाँ पे व्हाट्सएप अपनी प्रेजेंस या व्हाट्सएप वहाँ पे अपना रोल है वो निभाता है। देखो व्हाट्सएप की थोड़ी एक बार हम मैकेनिज्म समझते हैं इससे पहले कि व्हाट्सएप काम कैसे करता है। बेसिकली व्हाट्सएप में होता क्या है कि एक पर्सन है दूसरे को मैसेज सेंड करता है, तो एक पर्सन ने अगर दूसरे को कोई पिक्चर वगैरह भेजा कुछ भी मैसेज सेंड किया, अब अगर वो मैसेज बी को डिलीवर हो जाता है तो आपको पता है कि बी को डिलीवर होने के बाद वो उसके पास वो जो बी है बी पर्सन है वो सारी इन्फॉर्मेशन बी के फ़ोन में सेव हो जाती है। अगर कोई फोटो आई है तो फोटो बी के फ़ोन में सेव हो जाएगी, मैसेज है तो बी के फ़ोन में सेव हो जाता है। अब इसके बाद से ए उसको डिलीट कर रहा है तो कोई मतलब नहीं है, बी ने उस चीज़ को देख लिया और अगर बी उसको शेयर कर देता है तो फिर हुआ क्या, अब ए उसको डिलीट करता रहे कोई सोल्यूशन नहीं होने वाला। मतलब वहाँ यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ए के हाथ में कंट्रोल यहाँ पे केवल तभी तक था जब इन्फॉर्मेशन बी तक नहीं पहुँची थी। जब बी के पास इन्फॉर्मेशन पहुँच गई है तो ए अब कुछ नहीं कर सकता, ए के पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि ए उसको रोक सके। जैसे मानो कि ए ने मैसेज भेजा बी को, अब बी ने ये कोई फोटो थी ये फोटो अगर सी को भेज दी, अब ए उसको डिलीट कर रहा है तो भाई वो फोटो तो सी तक पहुँच गई है तो ए का कंट्रोल तो अब रहा ही नहीं ना, क्योंकि अब तो पावर थी बी के पास थी और बी ने भी सी को पहुँचा दिया, तो अब सी के हाथ में, सी अगर उस फोटो को रखना चाहे तो रखे नहीं, फिर आओगे और फैला सकता है। तो यही कॉन्सेप्ट व्हाट्सएप में यूज़ होता है कि अगर एक इंसान ने कोई फोटो या पिक्चर या मैसेज कुछ भी सेंड किया, बी के पास अगर वो डिलीवर हो जाता है और वो डिक्रिप्ट हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, बी उसको मैसेज को उसकी डिप मर्जी है कि उसको कैसे भी यूज़ करें। मतलब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि व्हाट्सएप पे जो भी डाटा होता है ना वो मोबाइल में स्टोर होता है, ऑनलाइन सर्वर में स्टोर नहीं होता है। अगर ऑनलाइन सर्वर में डाटा स्टोर होता है तो हमें एनी टाइम इंटरनेट की जरूरत होती है, बट आपको पता है कि हम व्हाट्सएप की जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑफलाइन भी रीड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि डाटा सारा हमारे फ़ोन में स्टोर होता है। अगर ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन सेव होती है, फेसबुक का कॉन्सेप्ट क्या है, फेसबुक में इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन सेव होती है, जब तक इंटरनेट नहीं होगा हमारे पास तब तक हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। बट व्हाट्सएप का सीन अलग है, एक बार हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई उसके बाद हमने हमारे फ़ोन में उसको बैकअप या कुछ भी ले लिया तो हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन फ़ोन में ही रहती है। तो इसलिए व्हाट्सएप क्या प्राइवेसी के नज़र से कस्टमर के लिए ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करवाता है, बट यहाँ पे आजकल इसका मिसयूज ये हो रहा है कि अगर गलती से जैसे कोई ए पर्सन है उसने कोई गलत इन्फॉर्मेशन बी को सेंड कर दी और बी ने वो गलत इन्फॉर्मेशन सी डी ऐसे आगे फैला दी, अब अगर ए को पता चल रहा है बाद में कि हाँ भाई गलती होगी तो भी वो इसको नहीं रोक सकता क्योंकि अब ए के हाथ से पावर चली गई है। अगर वहीं ये सारी जो मैसेज है अगर ये ऑनलाइन हो, अगर मतलब ए के हाथ में इसकी चाबी होती कि ये जो पिक्चर वगैरह का कंट्रोल सारा ए के हाथ में होता था, वो अगर ए पिक्चर डिलीट करता है मैसेज डिलीट कर देता तो बी सी डी किसी के पास वो मैसेज नहीं पहुंच पाता, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है व्हाट्सएप में। और इसकी वजह से होता क्या है
ए ने कोई इन्फॉर्मेशन फैलाई तो बी बी उसको सी से इन्फॉर्मेशन फैलती रहती है। तो वही एग्जाम्पल यहाँ पे तमिलनाडु का दिया गया है कि तमिलनाडु में अफवाह फैलाएगी जल्दी से कि हाँ भाई ऐसे ऐसे लड़के महिलाएं हैं वो बच्चों को किडनेप कर रही हैं, फिर वो इन्फॉर्मेशन आग की तरह फैलती गई और ऐसे में काफ़ी सारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अब देखो बात ऐसी है, खैर हमारे देश की गवर्नमेंट है वो व्हाट्सएप से बातचीत की जा रही है इस मामले में कि भाई आपको ऐसे ऐसे सिक्योरिटी वगैरह लेके आनी है क्योंकि आपकी व्हाट्सएप की वजह से काफ़ी सारे मॉब लिंचिंग की घटनाएं सामने आ रही हैं। नॉर्थ इंडिया में आप देख सकते हो किस तरीके से गाय को बचाने की आड़ में किस तरीके के खेल वो खेले जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं गलत है या हत्या को अंजाम दिया जा रहा है। अब यहाँ पे बात एक और एक एंगल और सामने आता है हमारे लिए कि भाई ऐसी जो इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की जाती है उनका नुकसान क्या होता है। देखो सभी लोगों को नहीं पता होता ना रियल इन्फॉर्मेशन कि क्या सच है क्या गलत है। कई बार लोग क्या है कि सेंटीमेंट्स में या इमोशंस के चक्कर में क्या है कि बातें सही मान लेते हैं यार सही भेज रहा होगा अगला इन्फॉर्मेशन और उस बात को तेज़ी से आगे फैला देते हैं, फिर वो बहुत तेज़ी से आगे फैल जाते हैं तो उस कंडीशन में उसे रोकना बहुत मुश्किल होता है। जैसे आप एक बेसिक सा एग्जाम्पल ले सकते हो, अगर ये मान लो कोई भी मैसेज है 5 लोगों के पास या 10 लोगों के पास सेंड किया तो पुलिस क्या कर सकती है, पुलिस आपस में पूछ सकती है कि हाँ भाई आपको किसने बताया, तो आप बता दो कि भाई मेरे को तो राम ने बताया, राम बता देगा मेरे को श्याम ने जिसने ही बताया। तो पुलिस ऐसे क्या कर सकती है, आराम से जिस पर्सन ने इन्फॉर्मेशन फैलाई उसको ट्रैक तो कर सकती है, बट आप तो भीड़ का क्या अनुमान, भीड़ में तो कितनी भी संख्या हो सकती है 10,000 15,000 20,000, तो ऐसा थोड़ी कि पुलिस हर 10-15 हज़ार लोगों को जाके पूछे कि भाई आपके पास इन्फॉर्मेशन किसने दी, आपको किसने दी, आपको किसने दी, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। मतलब क्या हुआ कि ऐसे जो मैसेज फैलते हैं ऑनलाइन इन मैसेज को ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और गवर्नमेंट के लिए जो समस्याएं हैं ना वो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं और इसकी वजह से नुकसान क्या होता है, जान माल का काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाता है। फिर यहाँ पे बात ये की जा रही है कि इसके सॉल्यूशंस की बात करते हैं, तो देखो ये सॉल्यूशंस के लिए आप नोट्स बना सकते हो। दो तरह के सॉल्यूशंस होते हैं इनके लिए, एक तो होता है ऑफ प्लेटफॉर्म सॉल्यूशन और दूसरे होते हैं इन प्लेटफॉर्म सॉल्यूशन। ऑफ प्लेटफॉर्म सॉल्यूशन और इन प्लेटफॉर्म सॉल्यूशन को हम पहले डिफरेंट ढंग से समझते हैं। यहाँ पे इन प्लेटफॉर्म सॉल्यूशन का मतलब ये है कि एप्लीकेशन के अंदर ही सॉल्यूशन किया जाए, मतलब जो कंपनी एप्लीकेशन बना रही है उसके द्वारा कोई स्टेप लिया जा रहा हो कि कोई फिल्टर वगैरह ऐसा यूज़ किया जा रहा हो कि उसमें हम कोई भी मतलब जैसे कि ऐसी चीज़ का यूज ना कर सकें, ऐसे वर्ड का यूज ना कर सकें जिससे हिंसा वगैरह फैल सकती हो, तो उससे कहीं ना कहीं हम लिमिट है वो लगा सकते हैं। जैसे कि फेसबुक का जो चैटिंग बॉक्स होता है उसके अंदर कोई भी हम एडल्ट कंटेंट वगैरह है वो शेयर वगैरह नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने फिल्टर लगाया होता है, तो उसी तरीके से फिल्टर वगैरह के थ्रू ऐसी कोई मैकेनिज्म लेके जाए। मतलब यहाँ पर यह है कि हम सॉफ्टवेयर में ही कुछ ऐसा चेंजेस कर दे कि ऐसी चीज पॉसिबल ना हो, तो वो तो होगी इन प्लेटफॉर्म सॉल्यूशन, मतलब प्लेटफॉर्म के अंदर ही सॉल्यूशन कर दिया गया। व्हाट्सएप एक प्लेटफॉर्म है वहाँ पे कंपनी ने सॉल्यूशन दे दिया तो वो हो गया इन प्लेटफॉर्म सॉल्यूशन। ऑफ प्लेटफॉर्म सॉल्यूशन का मतलब ये है कि देखो भाई अगर किसी ग्रुप में कोई इन्फॉर्मेशन भेजी जा रही है इसका मतलब क्या है, ग्रुप का कोई ना कोई तो एडमिन होगा, तो मतलब बिना एडमिन की अनुमति के तो कोई काम हो नहीं सकता। अगर एडमिन की अनुमति, एडमिन मतलब यहाँ पे है कि एडमिन उसके लिए जिम्मेदार हो गया, कोई भी वहाँ पे गलत काम हो रहा है किसी ग्रुप में इसका मतलब एडमिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वहाँ पे एडमिन को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। और उसके तहत क्या कर सकती है गवर्नमेंट, या तो अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकती है या फिर दूसरा काम ये कर सकती है कि क्रॉस चेक कि हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करता है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे हो रहा है आप इसको इन्फॉर्मेशन को आगे शेयर कीजिए, तो हम पहले क्रॉस चेक करके देखिए क्या ऐसी चीज़ ये सही है नहीं है। तो वो क्रॉस चेक करने के कई तरीके होते हैं, जैसे कि हम कोई भी न्यूज़ हमें मिली है वहाँ कुछ भी मिला हमें न्यूज़ वगैरह, तो हम क्या कर सकते हैं उसको गूगल वगैरह पर सर्च करके देख सकते हैं, ऑथेंटिक जो उसके सोर्स हैं ऑथेंटिक वेबसाइट वगैरह वहाँ से देख सकते हैं कि ऐसा है या नहीं है। तो इसीलिए हमें क्रॉस चेक, और मैं भी आपसे यही कहूँगा पर्सनली कि देखो आप कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको व्हाट्सअप से कहीं भी मिलती है आपको इंस्टाग्राम पे भी, तो प्लीज़ आप उसको पहले वेरीफाई कीजिए, अगर वो सच है तभी उसको आप आगे फॉरवर्ड कीजिए, अदरवाइज शेयर वगैरह नहीं करना है। हमें इमोशंस वगैरह के ऊपर यहाँ पे कंट्रोल रखना है। इसके बाद में राष्ट्र में राइटर कह रहे हैं कि अगर कंपनियां वगैरह सॉल्यूशंस नहीं लेके आ पाई, अगर व्हाट्सएप के साथ गवर्नमेंट बातचीत कर रही है अगर कंपनी फिर भी सॉल्यूशन नहीं करेगी तो लास्ट में एक ऑप्शन रहता है कि एप्लीकेशन को बैन किया जाए, तो वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए भी ठीक नहीं होगा और कंपनी के लिए भी सही नहीं होगा। तो इसीलिए जो रिफॉर्म वगैरह है इसमें हमें अर्जेंट रिफॉर्म लाने चाहिए। तो काफ़ी सारे इस आर्टिकल में पॉइंट्स थे उनका हम कहीं यूज है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो यूएसए और ट्रेड वॉर के बारे में है कि भाई वर्ल्ड ट्रेड वॉर कैसे चल रहा है। देखो आपको कंटेक्स्ट का तो रिसेंटली पता ही है कि यूएसए ने टेरिफ और नॉन टेरिफ बैरियर की हेल्प से चाइना से जो इंपोर्ट हो रहा था स्टील और एल्यूमिनियम उस पर ड्यूटी बढ़ा दी। अब इसमें अकेला चाइना ही नहीं मरा है, चाइना के अलावा देखा जाए तो जापान के भी नुकसान हो रहा है, इंडिया के भी, बट चाइना का नुकसान ज़्यादा इसलिए क्योंकि चाइना बहुत ज़्यादा मात्रा में यूएसए में स्टील है वो एक्सपोर्ट करता है, तो चाइना को बहुत बड़ा नुकसान इससे होने वाला है। अब पहली बात तो यहाँ पे ये समझने की आती है कि भाई टेरिफ और नॉन टेरिफ बैरियर क्या होते हैं। टेरिफ बैरियर का मतलब तो ये है कि जैसे यूएसए ने टेरिफ बढ़ा दिया वहाँ पे जो कस्टम ड्यूटी वगैरह वो इंक्रीज कर दी कि हाँ भाई चाइना से जो स्टील आ रहा है उस पर 10% से 15% बढ़ा दिया उन्होंने, 15 से 20 कर दिया, तो वो तो हो गया टेरिफ बैरियर। नॉन टेरिफ बैरियर क्या है, यूएसए ने ऐसे बोल दिया कि हाँ भाई देखो आपकी क्वालिटी है ना वो हमारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सही नहीं खा रही है, हमारा स्टैंडर्ड ऐसे ऐसे है, आप क्या चाइल्ड लेबर का यूज़ कर रहे हो इसलिए हम आपका प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते, आपकी जो स्टैंडर्ड्स हैं वो ऐसे हैं वो हमारे, मतलब कोई भी ऐसा बहाना मार देना कि सही नहीं है। जिस तरीके से आपको पता है कि यूरोपियन यूनियन इंडिया के जो
जो हाफूस आम है उनके ऊपर बैन लगाया था उन्होंने कि भाई आप इसमें केमिकल वगैरह ज़्यादा है, मतलब ऐसा इनलॉजिकल तरह का उन्होंने दे दिया। या फिर कई बार बोलते हैं कि आप चाइल्ड लेबर का यूज़ करते हो इसलिए हम इंडिया के प्रोडक्ट नहीं करेंगे। तो उसी तरीके से नॉन टेरी बेरियर का मतलब ये है कि कोई भाना या फिर लिमिट लगा देना कि देखो भैया हमारा प्रावधान यही है कि हम बाहर की कंट्री से केवल 10 किलो एल्यूमिनियम है वो इंपोर्ट करेंगे, तो 10 किलो की लिमिट पूरी होगी तो अब हम इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे जो भाने होते हैं नॉन टेरी बेरियर की लिस्ट में आते हैं। बट राइटर यहाँ पे ये कह रहे हैं कि देखो भैया यूएसए ने स्टेप तो उठा लिए हैं, बट इस स्टेप के उठाने से एक ट्रेड वॉर छिड़ गया है, और इस ट्रेड वॉर से शॉर्ट टर्म तो हो सकता है कि यूएसए को बेनिफिट हो जाए, बट लॉन्ग टर्म यूएसए को नुकसान ही होने वाला है। क्यों? क्योंकि यूएसए उतना सस्ता स्टील प्रोड्यूस तो कर नहीं पा रहा है, और बाहर से आ रहा है वो सस्ता, अगर तो वो सस्ता यूज़ नहीं कर रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ, यूएसए के अंदर जो स्टील बनेगा वो महंगा बनेगा, तो उसका मतलब वहाँ के लोगों को चीज़ें महंगी मिलेगी। अदरवाइज वो इम्पोर्ट करते तो उनको चीज़ें सस्ती मिल जाती, तो वहाँ के लोगों को भी पैसा बच जाता। बट अभी क्या होगा, उनको महंगी रेट पर चीज़ें मिलेंगी तो यूएस के लोगों को उस पर नुकसान ही होने वाला है। दूसरा नुकसान ही हो जाएगा कि यूएसए ने अगर बैरियर लगा दिया है, यूएसए ने रेट बढ़ा दिया है टैक्स रेट वगैरह, तो ऑब्वियसली इंडिया है, चाइना है, जापान, ये भी रेट बढ़ाएंगे तो जो प्रोडक्ट यूएसए से इन कंट्रीज में आते हैं। तो ऑल ओवर हुआ क्या, एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में जो ट्रेड था वो क्या होगा, कहीं ना कहीं रुक जाएगा, मतलब उसमें बाधा आ गई, तो इससे काफ़ी दिक्कत आ जाएगी। और अभी हो क्या रहा है, यूएसए ने जो ही चाइना के स्टील वगैरह पे और एल्यूमिनियम पे टैक्स बढ़ाया, तो यूएसए ने पहले क्या किया, अभी चाइना के जो स्टील प्रोडक्ट्स वगैरह थे इनके ऊपर अपना टेरिफ बैरियर बढ़ा दिया। इसके बदले में चाइना ने क्या किया, चाइना भी टेरिफ बैरियर बढ़ा दिया कि भाई देखो आपके यूएसए से भी हमारे प्रोडक्ट चाइना में आ रहे हैं, हम भी उन पर टेरिफ बैरियर बढ़ाते हैं। तो फिर ट्रंप ने क्या बोला, अगर आप टेरिफ बैरियर लगा रहे हो तो हम आपके ऊपर और टेरिफ बैरियर लगाएंगे। तो फिर यूएसए ने और टेरिफ बैरियर लगाने की बात की और टैक्स बढ़ा दिया, तो इसके बदले में फिर चाइना ने और टेरिफ बैरियर बढ़ा दिया। तो मतलब क्या, एक वॉर सा छिड़ गया ना कि आप अच्छा ऐसा करो तो हम ऐसे करेंगे, मतलब मैंने आपको एक थप्पड़ मारी तो आप मेरे को दो मारोगे, तो वो वाला सीन यहाँ पे चलने लग गया। तो उसी कॉन्सेप्ट से हो क्या रहा है, दोनों कंट्रीज को नुकसान होने वाला है भारी मात्रा में, बेनिफिट किसी को नहीं हो रहा है। फिर यहाँ पे देखो तीन एंगल आ रहे हैं, तीन डायमेंशन लिखी है मेरी राइटर के द्वारा, एक तो कि इंडिया का एंगल, जापान का और चाइना का। देखो चाइना के साथ तो यूएसए की बनती नहीं है, बट चाइना और यूएसए का देखा जाए तो ट्रेड रिलेशन बहुत अच्छे हैं देखा जाए तो एक तरह से। क्यों? क्योंकि चाइना यूएसए को बहुत सारा प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट करता है, तो चाइना के मैक्सिमम प्रोडक्ट हैं वो यूएसए में जाते हैं, और जापान है वो भी यूएसए को प्रोडक्ट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों करता है, और इवन इंडिया भी। तो अब यहाँ पे एक एंगल देखा जा रहा है चाइना का। देखो चाइना की बात तो ऐसी है कि चाइना क्या है, बार बार करेंसी को डिवोल्यूट करता है। करेंसी को डिवोल्यूट करने का मतलब यह है कि अपनी करेंसी को बाहर की करेंसी के कंपेरिजन में सस्ता करना। जैसे ये मान के चलो इंडिया की रूपी का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक डॉलर में 70 रुपीज़ आ रहे हैं। अब अगर इंडिया करेंसी को डिवोल्यूट करा है इसका मतलब क्या हो जाएगा, $1 में 75 रुपीज़ आने लग गए, तो मतलब इंडिया ने अपनी करेंसी को डिवोल्यूट कर दिया, सस्ता कर दिया। तो इससे फायदा क्या होगा, जो लोग इंडिया से चीज़ें एक्सपोर्ट करेंगे ना उनको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। इस चीज़ को उन्हें ध्यान में रखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, और इसी बात को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए वो आगे कदम है लगातार बढ़ा रहे हैं। मतलब उन्होंने टेरिफ और नॉन टेरिफ बैरियर का कॉन्सेप्ट वगैरह वो सब यहाँ पे यूज है वो कर रखे हैं। तो एक बेसिकली पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट वो यहाँ पे यूज है कर रहे हैं। इसके बाद में राइटर एक चीज़ ये बता रहे हैं कि देखो यूरोपियन यूनियन है ना और कनाडा, उनके रिलेशन तो यूएसए के साथ बहुत अच्छे हैं, बट फिर भी उनके साथ यूएसए ट्रेड वॉर में घुस गया है। मतलब वो तो काफ़ी अच्छे दोस्त हैं उनके, उसके बाद भी देखो कनाडा की बात ही की जा रही कि कनाडा का यूएसए के साथ जो ट्रेड है ना वो यूएसए के पावर में है, मतलब यूएसए के सरप्लस है कि यूएसए ही कनाडा को ज़्यादा प्रोडक्ट बेचता है, बट उसके बाद भी यूएसए ने वहाँ पे एक बैरियर लगा दिए। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये बताया जा रहा है कि ट्रंप साहब है ना वो पॉपुलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, मतलब लोकल भावनवाद या लोगों को अट्रैक्ट करने के मैकेनिज्म में उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। क्योंकि देखो अभी वहाँ पे यूएसए के जो इलेक्शन हुए थे उस टाइम पहले जब ट्रंप चुन गए थे, उसके बाद उनका मिड रिव्यू होना है, तो मिड रिव्यू के टाइम पे फिर ट्रंप ऐसा चाहते हैं कि कोई ना कोई ऐसा हथकंडा हो कि मैं लोगों के बीच में पॉपुलर हो जाऊँ, और इसीलिए वो ऐसा काम वो कर रहे हैं कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, देखो भाई मैं यूएसए के लोगों को प्रायोरिटी दे रहा हूँ, ये वगैरह वो सब कर रहे हैं। बट सर राइटर कह रहे हैं कि यूएसए ने जो ही ऐसे टेरिफ बैरियर लगाए हैं तो सभी कंट्रीज ने रिवर्स फायर किया है, मतलब सभी कंट्रीज ने उन पर बैरियर लगाना शुरू कर दिया है, तो उसकी वजह से नुकसान उनको होने लग जाएगा, यूएसए को भी और बाकी कंट्रीज को, दोनों को ही और नुकसान यहाँ पे होगा। अब देखो जैसे मैंने आपको एक चीज़ बताई कि करेंसी को अगर डिवोल्यूट करते हैं तो उस कंडीशन में हमें एक्सपोर्ट में तो फायदा हो जाता है, इंपोर्ट में हमें नुकसान ही होता है। तो अब जो चाइना है अब यूएसए को ज़्यादा चीज़ें तो एक्सपोर्ट करता है, तो इससे फायदा तो इसको हो रहा था, बट अभी उन्होंने बैरियर लगाए तो मतलब क्या होगा कि चाइना का एक्सपोर्ट यूएसए में कम हो जाएगा, तो ऑल ओवर चाइना को नुकसान हो जाएगा, यूएसए के तो खैर पैसे बच रहे हैं। फिर राइटर ये बता रहे हैं कि देखो WTO की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो भी ढंग से काम नहीं कर रहा है, WTO भी अपने बीच में लटका पड़ा है, ना उसकी पॉलिसी ढंग से काम कर रही है ना ही उसकी बात को भी गंभीर लिया जा रहा है।
एक टाइम तो ऐसा था जब जो ये डेवलप कंट्री थी ये ग्लोबलाइजेशन की बातें करती थी 1991 के टाइम पे, और आज ये ऐसी बातें कर रही हैं प्रोटेक्शनम की कि नहीं भाई हम किसी कंट्री के लोगों को हमारे अंदर नहीं आने देंगे, हमारे लोगों को प्रायोरिटी देंगे ये वगैरह वो। तो कहीं ना कहीं ये आज के टाइम पे एक वर्ल्ड ऑर्डर या एक डायमेंशन को चेंज कर रहा है। इसका हमें लास्ट में रहते ये देख कह रहे हैं कि देखो वो पॉपुलेशन और जो लोकल बाउंड की बात है इससे दोनों ही कंट्रीज को नुकसान हो, दोनों कंट्रीज को बोलो या ऑल ओवर वर्ल्ड को नुकसान होने वाला है। मतलब जिस जिस कंट्री ने एनएससी मैकेनिज्म यूज किए हैं वहाँ पे नुकसान ही होगा, क्योंकि इमोशंस में लोगों जो डिसीजन ले जाते हैं वो यहाँ भी सही नहीं हो पाते हैं। अगली बात जो अगला राइटर हमारा सॉरी अगला जो आर्टिकल हुआ है फार्मर की सिचुएशन के बारे में, तो देखो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं। आपको पता है बेसिकली तीन टाइप की क्रॉप्स होती हैं, खरीफ, रबी और जायद। खरीफ वाली फसल होती है जो जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर के टाइम पे काट ली जाती है। उसके नवंबर में आपको पता है सर्दी स्टार्ट हो जाती है, तो फिर रबी की फसल बोते हैं। तो नवंबर से लेकर फिर मार्च तक चलती है, मतलब नवंबर में फसल बोते हैं वो होती है रबी की, और मार्च में उसको काट लेते हैं तो हो जाती है रबी की फसल। तो ये थोड़ा बेसिक हमें पता होना चाहिए। जायद की फसल वो होती है जो मार्च के बाद बोई जाती है और जून के पहले काट ली जाती है, मतलब इसमें जो तरबूज, ककड़ी वगैरह, कुकुम्बर ऐसी चीज़ें होते हैं ये मेनली बोई जाती हैं शॉर्ट टाइम वाली। ये तो होगी बेसिक चीज़ें। अब राइटर यहाँ पे थोड़ी डायमेंशन ये बता रहे हैं कि देखो अभी गवर्नमेंट ने उड़द वगैरह के लिए जो खरीफ की जो फसल है उनके लिए एमएसपी डिक्लेयर की है, बट इस एमएसपी से कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला लॉन्ग टर्म का, राइटर का ये कहना है। राइटर सीधी सीधी इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि देखो जो भी ये मेथड लिए जा रहे हैं, जो भी मैकेनिज्म ले रही है गवर्नमेंट कि लोन माफ़ कर दो या फिर एमएसपी बढ़ा दो, ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। उस जो भी शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है उनसे कभी बेनिफिट नहीं होता है, उनसे केवल छोटे टाइम के लिए हमें लगता है कि हाँ राहत निकल गई, बट जो ही ये साल खत्म होगा ये खरीफ की फसल जाएगी, अगले साल रबी की फसल में फिर सर दर्द हो जाएगा। मतलब क्या है कि लॉन्ग टर्म में हमें इस चीज़ का फायदा नहीं हो सकता, तो हमें ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी होगी। अब यहाँ पे बात की जा रही है बाद में कि देखो अभी गवर्नमेंट ने उड़द वगैरह की जो है रेट वो मतलब एमएसपी में बढ़ा दी है। ये बढ़ा रेट बढ़ाने का काम कौन करता है एमएसपी का, वो काम क्या करता है कमीशन होता है जिसका नाम है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। तो ये जो CACP है ये एक्चुअली कॉस्ट वगैरह डिसाइड करता है, गवर्नमेंट को रिकमेंड करता है कि देखो भाई इस साल आप एमएसपी वगैरह बढ़ाइए, ये ऐसे है। ये इसके काफ़ी सारे क्राइटेरिया होते हैं कि एमएसपी को बढ़ाने के लिए कि भाई लास्ट ईयर प्रोडक्शन कैसा था, इस बार प्रोडक्शन कैसा होने की उम्मीद है, बाहर मानसून कैसा है, उस आधार पर एमएसपी वो डिसाइड की जाती है। तो बेसिकली अभी ये प्रावधान है कि जो भी कॉस्ट होती है किसानों की उसका 50% एक्स्ट्रा हो, जैसे कि 100 रुपये किसानों की लागत हो रही है तो एटलीस्ट उनको 150 रुपये तो भाई मिलने ही मिलने चाहिए। स्टार्टिंग में देखो जो एमएसपी थी मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस वो गेहूं और जो पेडी या जिसको आप बोल सकते हो कि चावल की फसल के लिए होती थी, बट धीरे धीरे आज के टाइम पे गवर्नमेंट ने और फसलों के लिए भी इसको देना शुरू कर दिया है। तो राइटर का देखो ये कहना है कि जैसे एग्जांपल से आपको बताता हूँ कि जैसे गवर्नमेंट ने इस बार एमएसपी डिक्लेयर कर दी, ठीक है एक 5-6 महीनों के लिए सोल्यूशन हो गया, खरीफ की फसल के लिए सोल्यूशन तो हो गया, बट अगले साल फिर रबी की फसल बोएंगे, फिर इश्यू आने वाला है, तो मतलब फिर वापस गवर्नमेंट को एमएसपी या फिर लोगों को पैसे देने होंगे। तो मतलब क्या हुआ 2-4 महीने या 5-6 महीने के लिए गवर्नमेंट इस सॉल्यूशन को कर सकती है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट यहाँ पे नहीं है। इसके बाद में एक दूसरा एग्जांपल देना है राइटर लोन माफ का कि देखो जो लोन माफ करना है वो भी सॉल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लोन माफ प्रॉपर सॉल्यूशन इसलिए नहीं है क्योंकि जो भी रूरल एरिया में किसान लोन लेते हैं ना वो मैक्सिमम बैंकों से लोन लेते ही नहीं है, वो लेते हैं जो आढ़तिया वगैरह होते हैं साहूकार वगैरह इनसे। अब आप एक चीज़ तो खुद भी जानते हो कि अगर आढ़ती वगैरह या साहूकार वगैरह से सेठ वगैरह से अगर लोन लिया गया है तो ऑब्वियसली वो लोन माफ़ थोड़ी होगा, गवर्नमेंट तो केवल उसी लोन को माफ़ करेगी जो बैंकों से लिया गया है। तो इसलिए जो छोटे छोटे जो किसान होते हैं जो कि लोगों से उधार उधर लेके काम चलाते हैं अपना, मतलब लोन लेते हैं आढ़ती वगैरह से, उनको तो नुकसान ही हुआ ना, उनका लोन तो माफ़ हुआ ही नहीं। तो यहाँ पे राइटर का कहना है कि देखो सभी को या जिन लोगों को बेनिफिट होना चाहिए था वहाँ तक बेनिफिट नहीं पहुँचा, कि गवर्नमेंट चाहती क्या है कि भाई जो मार्जिनल फार्मर है जो छोटे किसान है उनको बेनिफिट मिले, बट ऐसा यहाँ पे नहीं हो रहा है कि छोटे किसानों को बेनिफिट यहाँ पे मिल ही नहीं रहा है। अब बात की जा रही है FCI की, FCI का एंगल यहाँ पे दिया है क्योंकि FCI का काम बताऊँ है क्या, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। FCI का बेसिकली काम ये है कि जो भी किसानों से फसल वगैरह का प्रोक्योरमेंट वगैरह खरीदारी करने का काम होता है वो इंडिया में FCI करती है, बट ट्राइटर ये बता रहे हैं कि देखो FCI वो भी ढंग से काम नहीं करती इंडिया में। कैसे? इनका ये कहना है कि जो मार्जिनल फार्मर है जो छोटे किसान होते हैं उनसे FCI फसल वगैरह बहुत कम खरीदती है, तो इसलिए जो बड़े किसान होते हैं वहाँ से बल्क में जो गेहूं वगैरह अनाज वगैरह वो खरीद देती है FCI, तो छोटे किसानों को इसका MSP का बेनिफिट मिल ही नहीं पाता है। FCI छोटे किसान ये मान लो कि किसी किसान के पास ये मान लो कि 2 क्विंटल गेहूं हुए, अगर वो बेचारा गाड़ी लेके बेचने जाएगा तो उसको बचेगा नहीं उसके पास कुछ, तो इसलिए मतलब छोटे किसानों को इस चीज़ का बेनिफिट बहुत कम मिल रहा है। दूसरी बात ये बताई गई कि देखो इनफॉर्मल जो लोन होता है इनफॉर्मल सेक्टर वाला उसका कोई सोल्यूशन हो ही नहीं पाता, जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि किसानों जो आढ़ती वगैरह से लोन लेते हैं उससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है, केवल बैंकों का लिया हुआ लोन माफ होता है, तो मैक्सिमम लोगों को नुकसान हो जाता है इससे। इसके हमें राइटर अपने सजेशन देख रहे हैं
कि देखो अगर गवर्नमेंट सच में ही किसानों की इनकम बढ़ाना चाहती है ना, तो गवर्नमेंट को कुछ स्टेप उठाने चाहिए, जैसे कि क्वालिटी वाले सीड हैं वो प्रोवाइड करवाए जाएँ, बीज वगैरह, इसके साथ इरीगेशन प्रोजेक्ट हैं, इरीगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है सिंचाई का, वो बढ़ाया जाए। इसी के साथ अहम एक रीज़न वो ये बताया गया है कि भाई जो पोलिटिकल विल है राजनेताओं के बीच में, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि उनके दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हाँ भाई हम किसानों की इनकम सच में बढ़ाना चाहते हैं, तभी स्टेप उठेंगे। इसके बाद में बात है कि लॉन्ग टर्म रिफॉर्म की जरूरत है, अगर फिर भी शॉर्ट टर्म रिफॉर्म ले जा रहे हैं तो सॉल्यूशंस नहीं निकलने वाला, हमें लॉन्ग टर्म रिफॉर्म लेने होंगे, किसानों की सिचुएशन को समझना होगा, या फिर जैसे किसानों की इनकम वो हमें फिक्स करनी होगी। हाँ भाई जैसे कि एग्जाम्पल आप वो दे सकते हो कि तेलंगाना की गवर्नमेंट ने करेगा कि किसानों को पर हेक्टेयर उन्होंने प्रावधान करके भैया हम आपको 8 या 10 हज़ार रुपये देंगे, चाहे आप जो भी फसल बोए आने को, तो इससे क्या होगा कि किसानों की इनकम फिक्स होगी। तो राइटर का भी ये सजेशन दिया जा रहा है कि देखो किसानों की इनकम वो फिक्स की जाए। इसके साथ ही बात की जा रही है कि रिफॉर्म्स हैं वो यहाँ पर जल्दी लाए जाए, पावरफुल रिफॉर्म, और जो बिचौली हैं आड़ती हैं मार्केट रिफॉर्म वाले में, उनको भी यहाँ पर हटाया जाए। देखो मार्केट रिफॉर्म जरूरी इसलिए है कि जैसे हम कोई टमाटर प्याज मार्केट में बेचने गए, अब आपको पता है कि जो बीच में बिचौली होते हैं ना वही पैसा खा जाते हैं, किसानों को तो सस्ते में बेचना पड़ता है और जो कस्टमर होता है उसको भी महंगे में मिलती है, तो बीच में पैसे कौन खाए, आढ़तियों ने या बिचौलियों ने। तो राइटर का कहना है कि मार्केट सेक्टर में हमें रिफॉर्म लाने होंगे और आढ़तियों को खत्म करना होगा। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल, तो आज की डिस्कशन में इतना ही है, और आपको बता दूं कि जो PDF है आज वो आपको फेसबुक पेज पर मिलेगी, साइट में फिर से कोई इश्यू आ गया है तो प्लीज़ आप फेसबुक पेज से PDF को डाउनलोड कर सकते हो। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू फॉर डिस्कशन।